सल्तनत आसिफिया के दौरे हुकूमत में तामीर करदा मुर्गी चौक की अजमत रफ्तार को बहाल करने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत तारीखी व सकाफती वरसे की हिफाजत करने की मुहिम का आगाज किया है। महकुमा बल्दी नजोनस की जानिब से अमली इकदाम का आगाज कर दिया गया है। हाल ही में मौजम जाही मार्केट, क्लॉक टावर, बंसीलाल पेट की सीढ़ियों वाली बौली की अजमत रफ्तार बहाली की गई है, जिसके बाद पुराने शहर के तारीखी विरसा, मुर्गी चौक, मिराला मंडी और सरदार महल की अजमत रफ्तार को बहाल करने के इकदाम का आगाज किया जाएगा। तारीखी 400 साल चार मीनार के 2 या 3 किलोमीटर के हदूद में रहने वाले इन तारीखी इमारतों और विरसा के तहफ़ के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इन तरक्याती कामों की निगरानी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा। आरिफ साहब, ये कौन सा एरिया है? ये महबूब चौक मार्केट है, ओल्ड सिटी। यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है, इसके बारे में आपको क्या है? डेवलपमेंट का तो नहीं बोले कोई भी, अब वो आगे क्लीन कर रहे हैं बोल के एकदम बोल दिए ना पूरा। ऐसा करे तो कैसा होता साहब, पूरे गरीबा हैं यहाँ पे, 1 से 2-3 हज़ार आदमी का पूरा पेट भरता है यहाँ पे। हमारे केटीआर साहब से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि 4 मीनार को आप करें, आप बनाए इसको ठीक करें, ऐसा कई जगह पूरे अच्छे अच्छे काम करें, जैसा मस्जिदा है उसको भी करे क्लीन, क्लीन थोड़ी करे उसको, अच्छा बना के दिए ना सब। वैसे हमारा भी चौक जो है, अब इसको भी कुछ तोड़ो करो मत, बना के दीजिए इसको भी ऐसा। अब कहाँ हो रहा कुछ टूट रहा कर रहा तो देखीजिए उसको, बनाइए उसको आप। कई लोगों के पेट पे लात पड़ रहा पूरा, गरीबा है कमाने खाने वाले, 300-400 लोग काम करते हैं एक एक दुकान पर, 4-4, 5-5 लोग काम करते हैं। तो ऐसे कितने दुकान है? 200 चिल्लर मड़ गई है यहाँ पे पूरे। कितने 100 है इस पे जी। हाँ, इससे क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट क्या साहब, गरीबा पूरे बर्बाद हो जाते, जो 400-500 कमाई खाने वाला जोर बच्चों वाला पूरे किराए घर वाले, तकरीबन किराए घर वाले इसमें, तो वो लोग कहाँ जाएंगे पूरे लोग? अब वो कोई 400 कमाता, कोई 500 कमाता, कोई अभी टूट गया बस सब, बाहर दुकान तो नहीं है ना कोई, तो कहाँ जाना बोली जब। आज पेपर में डाल दिए कि होटल बढ़ेंगे इसके ऊपर, ऐसे कोसी जो चीज़ है, जो मुर्गी की बो में जो ऊपर होटल चलेंगे, पहले बोलिए आप कोई खा सकता क्या? बोलिए अभी बो बास में आके आज पेपर में डाल दिए साहब, आज किसी से इतला नहीं लिए, किसी कुछ पूछे करे भी नहीं, ये कोई तरीका है? बोलिए आप, अब क्या करना है? बहुत केसीआर साहब से गुजारिश है कि गरीबों का एकदम ऐसा नको करो कुछ भी, आप इसको तामीर सीधे करिए, आप बना के दीजिए हमारे को, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा नाम मोहसिन बिन इकबाल। कितने साल से रहते हैं आप? मैं तकरीबन नहीं बोले तो भी मेरी उम्र यही गुजर गई पूरी। क्या काम करते हैं? यहाँ मुर्गियाँ बेचता हूँ मैं, मुर्गियाँ छिलता हूँ भी,
मुर्गे हमारे तो गरीब का है, अब पांच पांच दुकाना है, मेरी एक दुकान भी है तो भी टूट गई थी मेरी दुकान। अब मेरे को कहा जाएगा थोड़ो भाई, नहीं बोल के नहीं बना के तो दे, आपको कहा देते बोले फिर बना के ऊपर देते बोले मेरे को महमूद। देखो साहब यहाँ पर बच्चा बहुत काम करने वाला है, बेरोजगार हो रहा था, दुनिया के बच्चे यहाँ काम करने वाले, आप चांदमार को साफ सफाई करें, इसको भी करा सकते ना साहब, तोड़ना जरूरी है, चौकी घड़ियाल को साफ कराए, इसको तोड़ना जरूरी तो नहीं है ना, इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं ना आप, मोरी वोरी बना के गंदगी साफ करके। अब हम लोग इतने जने काम करने वाले, हम लोग कहाँ देंगे बोलिए। अभी तक तो कुछ भी नहीं बोल रही, शोमाला पैलेस के नहीं देते बोल रही, वो बोल रहे हैं साहब देते बोल के, अभी लगा देते नहीं देते वो अल्लाह को मालूम भाई होटल।